आज का आपका पहला सवाल, किस जानवर का दूध पीने से दिमाग तेज होता है? आपके विकल्प है शेरनी का, गाय का, ऊंट का या बारहसिंघा का। इसका सही जवाब होगा गाय का। जी हाँ, गाय का दूध पीने से दिमाग तेज होता है। तो आपका दूसरा सवाल, कौन सा फल खून की कमी पूरा करता है? आपके विकल्प है केला, आम, अनार या सेब। आपका सही जवाब होगा अनार, इसका उत्तर है। तो चलिए आपका तीन नंबर सवाल, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? आपके विकल्प है किंग कोबरा, अजगर, एनाकोंडा या पिट वाइपर। आपका सही जवाब होगा किंग कोबरा। जी हाँ, आपने सही सुना, किंग कोबरा एकमात्र सांप ऐसा है जो घोंसला बना के रहता है। तो आपका चौथा सवाल, कुरकुरे खाने से कौन सी बीमारी होती है? आपके विकल्प है कब्ज, कैंसर, डेंगू या शुगर। इसका सही उत्तर होगा कैंसर। जी हाँ, आपने सही सुना, ज्यादा कुरकुरे खाने से कैंसर बीमारी होती है। तो आपका पाँच नंबर सवाल, किस देश में रात को 12 बजे सूर्य निकलता है? आपके विकल्प है नॉर्वे देश में, स्पेन देश में, कोरिया देश में या कनाडा देश में। आपका सही जवाब होगा नॉर्वे देश में, इसका सही उत्तर है। तो आपका छह नंबर सवाल, सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? आपके विकल्प है बुध, प्लूटो, वरुण या बृहस्पति। आपका सही उत्तर होगा वरुण। जी हाँ, सूर्य के सबसे दूर वरुण ग्रह है। आपका सात नंबर सवाल, पाली जी किस देश की कंपनी है? आपके विकल्प है भारत, जापान, चीन या कनाडा। आपका सही जवाब होगा भारत, इसका सही उत्तर है। तो आपका अगला सवाल, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? आपके विकल्प है समूह शब्द, संयुक्त शब्द, वर्णमाला या इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा वर्णमाला, इसका उत्तर है। तो आपका अगला महत्वपूर्ण सवाल, थल सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके विकल्प है पुणे में, कोलकाता में, लखनऊ में या नई दिल्ली में। इसका सही जवाब होगा नई दिल्ली में, आपका उत्तर है। आपका 10 नंबर सवाल, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है? आपके विकल्प है दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में या अहमदाबाद में। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका सही जवाब कमेंट करके जरूर बताएं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, विश्व के किस देश में एक भी खेत नहीं है? आपके विकल्प है चीन देश में, स्पेन देश में, सिंगापुर देश में या इजराइल देश में। आपका सही जवाब होगा सिंगापुर देश में, हमारा उत्तर है। तो आपका 12 नंबर सवाल, मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष क्या है? आपके विकल्प है बरगद, बबूल, शीशम या पीपल। इसका सही उत्तर होगा बरगद। जी हाँ, मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष बरगद का पेड़ है। तो हमारा अगला सवाल, कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन किस देश में होता है? आपके विकल्प है भारत देश में, जापान देश में, अमेरिका देश में या कनाडा देश में। आपका सही जवाब होगा अमेरिका देश में, इसका उत्तर है। तो अपना 14 नंबर सवाल, पृथ्वी से दिखाई देने वाला चमकीला ग्रह कौन सा है? आपके विकल्प है शुक्र ग्रह, मंगल ग्रह, बुध ग्रह या शनि ग्रह।
आपका सही उत्तर होगा शुक्र ग्रह, इसका उत्तर है। तो आपका अगला महत्वपूर्ण सवाल, भारतीय गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? आपके विकल्प है बुबेलिस बुबेलिस, सफेद बुबेलिस, बोस इंडिकस या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा बोस इंडिकस। जी हाँ, आपने सही सुना, गाय का वैज्ञानिक नाम बोस इंडिकस है। तो चलिए आपका 16 नंबर सवाल, कोको कोला किस देश की कंपनी है? आपके विकल्प है भारत, नेपाल, अमेरिका या जापान। आपका सही जवाब होगा अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, कोको कोला अमेरिका देश की कंपनी है। तो हमारा अगला महत्वपूर्ण सवाल, टमाटर की खोज किस देश में हुई थी? आपके विकल्प है कनाडा, अमेरिका, भारत या जापान। आपका सही उत्तर होगा अमेरिका, इसका जवाब है। तो आपका 18 नंबर सवाल, किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफेद होते हैं? आपके विकल्प है विटामिन B2, विटामिन B12, विटामिन B3 या विटामिन B1। आपका सही जवाब होगा विटामिन B12। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, अधिकांश युवाओं को कम उम्र में ही बाल सफेद होने लगे हैं, इसलिए अपने भोजन में विटामिन B12 से भरपूर डाइट को शामिल करें। तो चलिए आपका अगला सवाल, शरीर का कौन सा अंग आग में नहीं जलता है? आपके विकल्प है हड्डी, आँख, नाखून या कान। आपका सही जवाब होगा नाखून। जी हाँ दोस्तों, शरीर का नाखून एक ऐसा अंग है जो आग में नहीं जलता है। तो हमारा अगला सवाल, सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? आपके विकल्प है चीन में, जापान में, भारत में या अमेरिका में। आपका सही जवाब होगा भारत में, इसका उत्तर है। तो चलिए आपका अंतिम सवाल, शेर से पहले जंगल का राजा कौन था? आपके विकल्प है भालू, हाथी, बंदर या चीता। आपका सही जवाब होगा हाथी। जी हाँ, आपने सही सुना, शेर से पहले जंगल का राजा हाथी था। तो दोस्तों, ऐसे ही रोजाना जीके के रोचक सवालों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन वाले बटन को ऑन करके हमसे अवश्य जुड़ जाए। धन्यवाद।